एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये होने वाला है मेरा मोस्ट फेवरेट अमेज़न से ब्लाउज कलेक्शन। एंड आज जो मैं आपके साथ ब्लाउज शेयर करने वाली हूँ वो काफी डिजाइनर ब्लाउज है। इस तरीके के आपको आज ब्लाउज देखने को मिलने वाले हैं जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। एंड इन्हें मैंने परचेस किया है सेल में, क्योंकि अमेजोन पे चल रही है मेगा फैशन सेल जो कि है 7 से 9 मार्च। ये बेस्ट टाइम है परचेस करने का। अगर अभी आप कुछ भी परचेस करना चाहते हैं तो इस सेल में बाय कर सकते हैं, काफी अच्छे डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा। एंड काफी अच्छे अच्छे ऑफर्स भी अमेजोन में चल रहे हैं, काफी अच्छे डिस्काउंट चल रहे हैं, तो ये सेल को आप मिस मत करना। एंड जितने भी ब्लाउज शेयर कर रही हूँ इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लस एक सिंगल लिंक मिल जाएगा माई हॉल स्टोर के नाम से, वहां से आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे आज के कलेक्शन में से मेरा जो फेवरेट ब्लाउज है जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। वैसे तो सारे ब्लाउज ही बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन ये मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया था। इसका जो पैटर्न है ना वो बहुत ज्यादा यूनिक है। ये आपको प्योर व्हाइट कलर में ब्लाउज देखने को मिलता है, एंड व्हाइट कलर का कुछ ऐसा डिजाइनर पीस मेरे पास था नहीं। और आज जो मैं ब्रांड आपके लिए लेके आई हूँ वो है एक्टिव शर्ट। और इसके ब्लाउज ना मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी आपके साथ शेयर किए थे, क्वालिटी अच्छी लगी थी मुझे इसलिए मैंने और परचेज किए। एंड कुछ इस तरीके का आपको ये ब्लाउज देखने को मिल जाएगा। प्योर व्हाइट कलर में ब्लाउज है, एंड इसका जो फैब्रिक है ना काइंड ऑफ है ना ये सिल्क फैब्रिक टाइप में है। और ये आप जो देख रहे हो ना ये पूरा मतलब इस टाइप का सलवटों वाला फैब्रिक है, लाइक आप बोल सकते हो जैसे प्लेटेड साड़ी आती है उस टाइप का ये फैब्रिक आपको देखने को मिल जाएगा। पूरा सिल्क का फैब्रिक है, उसके ऊपर है ना ये नेट वाला जो है डिजाइन दिया हुआ है, फ्लावर वाला ये डिजाइन दिया हुआ है, पूरा ये डिटेलिंग की हुई है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। कंप्लीट लुक एक बार आप साइड में देख लेना आपको क्लियर हो जाएगा। साइड से आपको इसमें क्लोजर देखने को मिलता है, चैन है, वी नेक है, और इस तरीके का आपको बैक देखने को मिलेगा। तो काफी ज्यादा पसंद आ रहा था मुझे ये वाला ब्लाउज। ये इसको आप साड़ियों के साथ एज ए क्रॉप टॉप स्कर्ट के साथ भी पेयर अप कर सकते हो। एंड व्हाइट कलर ऐसा है ना जो मोस्टली आउटफिट्स को आपके कवर कर देगा, तो उस अकॉर्डिंग मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था ये ब्लाउज। एंड थोड़ा कॉस्टली जरूर है, प्राइस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हो सकता है प्राइसी हो थोड़ा, लेकिन अगर आपका बजट इतना है और अगर आप लेना चाहते हैं तो क्वालिटी अच्छी है, उस अकॉर्डिंग मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। और इसमें जो मेरा साइज है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। हाँ, इसमें जो मेरा साइज है वो है स्मॉल। इसमें आपको सारे साइज मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के परचेज कर सकते हो। ये एक नॉन पैडेड ब्लाउज है, अंदर की साइड प्रॉपर साटिंग की इसमें लाइनिंग अटैच है। तो इस तरीके का आपको ये फर्स्ट ब्लाउज मिल जाएगा जिसको मैं आपको रिकमेंड करूंगी। अगर आपके आपको कुछ भी ऐसा परचेज करना है जो यूनिट सा हो तो डेफिनेटली आप इसे बाय कर सकते हो। सबसे नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है कुछ इस तरीके का सिक्विन टॉप, एंड ये भी है फ्रॉम दी ब्रांड एक्टिव शर्ट। कुछ इस तरीके का आपको ये सिक्वेंस टॉप देखने को मिल जाएगा। ना तो ये प्रॉपर गोल्डन है ना सिल्वर है, कुछ इस तरीके का इसका कलर है जिस वजह से ना ये सिल्वर आउटफिट्स के साथ भी आप इसे पेयर अप कर सकते हो, गोल्डन के साथ भी आप इसे पेयर अप कर सकते हो। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इसका है ना पिंक वाला कलर शेयर किया था जिसकी क्वालिटी और प्राइस मुझे काफी अफोर्डेबल लगी थी, क्योंकि ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। एंड इस तरीके के पीसेस आपके पास होने चाहिए जैसे पार्टी वगैरह में अगर आपको कैरी करना है और किसी फंक्शन में कैरी करना है तो आप इस तरीके के ना क्रॉप टॉप कैरी कर सकते हो। जीन्स के साथ तो पेयर अप कर ही लो, काफी अच्छा लुक आता है अगर पार्टी वगैरह में जाना है आपको, या फिर स्कर्ट के साथ, बाकी साड़ियों के साथ भी बहुत ज्यादा अच्छे से जाते हैं। तो इस वजह से मुझे काफी वर्सेटाइल पीस लगते हैं। एंड इस टाइप का मैं कुछ लेना चाहती थी जिसमें इस तरीके के स्ट्रैपी शोल्डर हो और इस तरीके के सिक्वेंस हो, क्योंकि इसकी सिक्वेंस की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। बहुत छोटे वाले सिक्वेंस इन्होंने यूज किए हैं जिस वजह से काफी ज्यादा अच्छा है। इसमें आपको ना कोई क्लोजर देखने को नहीं मिलता, जस्ट आपको ना एज ए टॉप ही इसे वेयर करना है, लाइक बैक में भी क्लोजर नहीं है, साइड में भी नहीं है, बस इस तरीके से ही आपको पहनना है। साइज जो मेरा इसमें स्मॉल साइज है, इसमें भी आपको सारे साइज मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के ले सकते हो। बैक भी आपको इस तरीके का मिलेगा, काफी डीप फ्रंट है, काफी डीप बैक है, पर अगर आप इस तरीके के क्रॉप टॉप वगैरह पहनने में कंफर्टेबल हो, स्टाइलिश कुछ चाहते हो तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो। नेक्स्ट ब्लाउज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है बहुत ही प्यारा सा इस तरीके का एक डिजाइनर ग्रीन कलर का ब्लाउज, एंड ये बॉर्डर ग्रीन कलर है, काफी डार्क कलर है। इसमें कलर ऑप्शन काफी सारे थे, मुझे ग्रीन कलर में लेना था इसलिए मैंने लिया। एंड ये है फ्रॉम दी ब्रांड वामस। इस ब्रांड को मैं ट्राई कर चुकी हूँ, लास्ट टाइम मैंने एक ब्लाउज लिया था अच्छा आया, क्वालिटी अच्छी लगी, तो अगेन मैंने इसका एक और ब्लाउज पीस लिया है। ये भी काफी ज्यादा सुंदर है, इसका पैटर्न बहुत ज्यादा यूनिक है। ये आपको इस तरीके की ऑरेंजा सिल्क फैब्रिक में पूरा ब्लाउज देखने को मिलता है और ये एक पैडेड ब्लाउज है और अंदर के जो पैड की क्वालिटी है ना वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत सॉफ्ट क्वालिटी के पैड इन्होंने यूज किए हैं। फ्रंट कुछ इस तरीके का वी फ्रंट है
और बैक इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी वी है, और यहाँ पे आपको क्लोजर मिलता है इस साइड में, यहाँ से आपको इसे क्लोज करना है बैक से। और ये कुछ इस तरीके का रफर्स इस पे दिए हुए हैं थ्री लेयर में, जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरीके का आपको ये वाला ब्लाउज देखने को मिल जाएगा। एंड मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, ये भी एज ए क्रॉप टॉप आप स्टाइल कर सकते हो साड़ियों के साथ, स्कर्ट के साथ, किसी के भी साथ, और साड़ियों के साथ तो आप इसे एज ए ब्लाउज ले ही सकते हो। काफी अच्छा लुक आएगा, फैब्रिक क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, समर्स के अकॉर्डिंग काफी परफेक्ट है। थोड़ा सिंपल है लेकिन लुक स्टाइलिश है, जो इसका पैटर्न है ना वो काफी ज्यादा स्टाइलिश है। और इसमें भी जो मेरा साइज है ना वो है स्मॉल, इसमें भी आपको सारे साइज मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के ले सकते हो। अंदर की साइड प्रॉपर लाइनिंग वगैरह सब कुछ अटैच है। तो इस तरीके का आपको ये वाला ब्लाउज मिल जाएगा, ये भी आप अपने वार्डरोब में ऐड कर सकते हो। काफी खूबसूरत है, काफी यूनिक है एंड वर्सेटाइल पीस है। नेक्स्ट ब्लाउज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है इस तरीके का व्हाइट कलर का ब्लाउज, ये भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा था। फिर मैंने सोचा अगेन व्हाइट कलर ही ले लेते हैं, क्योंकि समर्स स्टार्ट हो गई है एंड समर्स में थोड़े लाइट कलर काफी अच्छे लगते हैं, लाइट कलर की साड़ियों के साथ ही अच्छे लगते हैं इस तरीके के ब्लाउज। तो फिर मैंने व्हाइट कलर ही लिया और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था व्हाइट कलर सारे कलर्स में मुझे। तो कुछ इस तरीके का इसका पैटर्न है, ये आपको इस तरीके का राउंड नेक देखने को मिल जाएगा, बैक आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे क्लोजर है। जो फैब्रिक इन्होंने यूज किया है ना, ये नेट फैब्रिक है, और इस तरीके की आपको ये रफल स्लीव्स देखने को मिल जाएगी लेयर्ड में, जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रही है। थ्री लेयर्ड स्लीव्स है, पैडेड ब्लाउज है, और जो इसमें नेट यूज किया है ना उसके ऊपर पूरा एम्ब्रॉयडरी की हुई है, प्लस सिक्वेंट भी लगाए हुए हैं, ट्रांसपेरेंट सिक्वेंस इसमें यूज किए हुए हैं। पैडेड ब्लाउज है, पैड की क्वालिटी वगैरह सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छी है। अंदर की साइड प्रॉपर लाइनिंग अटैच है। साइज है जो मेरा इसमें है 32, इसमें आपको सारे साइज मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के ले सकते हो। कलर भी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लेना चाहो आप कलर परचेज कर सकते हो। मुझे ये वाला कलर ज्यादा बेस्ट लग रहा था, और इसमें ना यहाँ पे आपको डोरी भी मिलती है, तो इसे आपको पीछे टाई अप करना है। साड़ियों के साथ बहुत अच्छे से जाएगा, बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा साड़ियों को। समर्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट है, क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो इसको मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ। अफोर्डेबल प्राइस में काफी अच्छा ब्लाउज है, डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो। नेक्स्ट जो लास्ट ब्लाउज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है फ्रॉम दी ब्रांड स्टूडियो श्रृंगार, एंड इसके तो मैं काफी ब्लाउज आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसके जो सिल्क के ब्लाउज होते हैं, सिर्फ के ही ब्लाउज होते हैं, वो काफी ज्यादा अच्छे आते हैं। मेरे पास बहुत सारे ब्लाउज हैं एंड बहुत ज्यादा रिच लुक लगता है। तो ये वाला कलर का मजेंटा कलर का ब्लाउज मैं काफी टाइम से परचेज करने का सोच रही थी, कुछ इस टाइप का जो कि अफोर्डेबल भी हो और सिल्क में ही हो स्पेशली, क्योंकि सिल्क के साड़ियों के साथ सिल्क के ब्लाउज बहुत अच्छे से जाते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट करते हैं लुक को। तो ये वाला ब्लाउज मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा था। इसमें आपको इस तरीके की बॉट नेक देखने को मिल जाएगी, बैक आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, बैक में क्लोजर है, ये आपको क्लोज करने के लिए मिलता है। ये जो आप पूरा देख रहे हो ना, जरी वाला काम किया हुआ है इसके ऊपर, और इस तरीके की आपको स्लीव्स देखने को मिल जाएगी। कलर ऑप्शन इसमें भी काफी सारे अवेलेबल थे, आप अपने अकॉर्डिंग देख के चेकआउट कर सकते हो। मुझे मजेंटा ही चाहिए था इसलिए मैंने ये वाला कलर लिया है। क्वालिटी को लेकर तो आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होगा स्टूडियो श्रृंगार का, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। इसके ब्लाउज बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, पहनने के बाद बहुत कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि इसकी फैब्रिक क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक ये यूज करते हैं। प्लस जितने भी आप ब्लाउज देखोगे ना स्टूडियो श्रृंगार के, ये नॉन पैडेड ब्लाउज आते हैं, एक में भी पैड नहीं आएगा। तो इस तरीके का आपको ये ब्लाउज देखने को मिल जाएगा, एंड इसको भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी, बहुत अच्छा ब्लाउज है। साइज है मेरा इसमें 32, इसमें भी आप अपने साइज के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सारे साइज अमेजोन पे अवेलेबल है और कलर भी अवेलेबल है, जो भी आपको लेना हो आप अपने अकॉर्डिंग देख के चेकआउट कर सकते हैं। ये था आज का मेरा अमेजोन से कम्प्लीट हॉल। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है विद बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएंगे एंड आपसे मेरी वीडियो मिस नहीं होगी। प्लस अमेजोन से कुछ और देखना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी आप मुझे कॉमेंट करके बताओ, डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड आज के कलेक्शन में से आपका फेवरेट ब्लाउज कौन सा है वो भी आप मुझे कॉमेंट करके बताना। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।